के मास न्यूज हर समय आपके साथ, मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबर आजमगढ़ से आ रही है। 4/1/2021 को जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देशानुसार ठेकुआ ब्लॉक के अंतर्गत वर्धा व अवधह बस्ती में कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना गया। जी हां, जैसे पेंशन व राशन कार्ड, गैस कनेक्शन, आधार कार्ड, बिजली कनेक्शन आदि समस्याओं को सुना गया। आइए दिखाते अपने संवाददाता रिंकू चौहान की यह रिपोर्ट। जो DM के आदेशानुसार कार्यक्रम जो कैंप लगाकर किया जा रहा है, सर इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? किस किस चीज़ों के लिए सर कैंप लगाया गया है? एक्चुअल में आदरणीय जिलाधिकारी जी का यहाँ पे निरीक्षण हुआ था, ये बनवासी मोहल्ला वर्धा है, विकासखंड ठेकुआ। जी, जिलाधिकारी जी ने निरीक्षण करने के बाद ऐसा पाया था कि तमाम योजनाओं से यहाँ लाभार्थी वंचित है। जी जी, ऐसी स्थिति में एक कैंप आयोजन करने का उनके द्वारा निर्देश दिया गया था और विभिन्न विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित होकर के जिन योजनाओं से वंचित है उन्हें लाभान्वित कराने की प्रक्रिया को पूरी की जाए। तत्क्रम में यहाँ पे स्वास्थ्य के, ICDS के, श्रम विभाग के, सप्लाई के, समाज कल्याण के और राजस्व के, विद्युत विभाग के जी अधिकारी कर्मचारी उपलब्ध हैं और उनके द्वारा जिन योजनाओं से अभी पात्र परिवार वंचित है उनको सूचीबद्ध करके उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपनी प्रक्रिया पूरी करता है। जी सर, धन्यवाद सर।